हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोम एकेडमी पर। दोस्तों, हरियाणा ग्रुप डी का पेपर सॉल्यूशन की सीरीज चल रही है और दोस्तों, जिस भाई ने पिछला पेपर जो वॉच कर लिया है 40 क्वेश्चन, वे थोड़ा सा वीडियो को आगे निकाल कर जो देख सकते हैं, थोड़ा सा काट कर जो है 40 क्वेश्चन से आगे देख सकते हैं, और जिसने वॉच नहीं किया है वह हमारे साथ पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर एक, भगवद गीता संकल्प द्वारा किया गया, इसका सही आंसर होगा ए, जो है आपका ए, वो सॉरी, इसका आंसर होगा आपका सी, वेद व्यास। क्वेश्चन नंबर दो देखेंगे, जब वस्तु को वक्रता केंद्र के पीछे रखा जाता है तो अवतल दर्पण के कारण बनने वाला प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है, तो इसका सही आंसर होगा डी, आभासी और उल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर तीन, भारी व्यायाम के दौरान पैरों में दर्द के संचय के कारण, इसका सही आंसर जो होगा वो आपका होगा बी, लैक्टिक अम्ल। नेक्स्ट देखेंगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट गर्म करने पर उत्पन्न करता है, तो इसका सही आंसर जो होगा आपका होगा बी, सोडियम ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सॉरी दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ए, सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कुरुओं द्वारा उपजाई गई भूमि कहलाती है, तो इसका आंसर जो है अभी होल्ड पर है, और यदि आपको मालूम है तो दोस्तों इसका आंसर देने की जो है आप प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर छः का देखेंगे, क्वेश्चन नंबर छः का सही आंसर होगा वायु की गति मापने वाला यंत्र, एनीमोमीटर। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर सात, तो क्वेश्चन नंबर सात भी अभी जो है होल्ड पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर वह संख्या ज्ञात करें जो विकल्प के अन्य तीनों से भिन्न है, तो सही आंसर जो होगा वो आपका होगा डी, 11, 10। क्वेश्चन नंबर नौ देखते हैं, हरियाणा शुरू करने वाला पहला राज्य है, तो सही आंसर होगा सी, किसान बजट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर दस, तो क्वेश्चन नंबर दस का आंसर सही होगा, संप्रभु राज्य के बारे में दिया हुआ है, तो यहाँ पर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर होगा वो आपका ए होगा, जो है √5। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, प्रभाकर वर्धन वर्धन वंश का पहला राजा का शासक था, तो वह था थानेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 13, जो है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रावधान करता है कि राज्य धर्म वंश लिंग जाति के उत्पत्ति के स्थान के आधार पर किसी नागरिक को वंचित नहीं करा जाएगा, तो क्वेश्चन इसका जो होगा ऑप्शन 15, ऑप्शन सी जो है सही आंसर होगा 15। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, राज्यपाल द्वारा यह नामित प्रमुख के रूप में कार्य करता है और राज्य प्रशासन की वास्तविक शक्ति उसी में निहित होती है, तो इसका सही आंसर जो होगा वो आपका होगा सी, यानी कि मुख्यमंत्री, राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री और केंद्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, तो 15 में यदि 1 को कूट 3-4 है तो 2 का कूट क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा आपका सी, 5-8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक विद्युत बल्ब के तंतु द्वारा 20 मिनट के लिए, यह वाला क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर जो होगा वो आपका होगा बी, 600 कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, कर्वे के बारे में क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर जो होगा वो आपका होगा सी, उपरोक्त सभी, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर होगा समबाहु, बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं, तो 19 में सही आंसर जो होगा आपका होगा ए, यानी कि 2016-17 में हरियाणा की GSDP बढ़ रही है किस रफ्तार से, तो वो 6.7 की रफ्तार से बढ़ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, GST में सभी आबकारी शुल्क वाली वस्तुएं शामिल नहीं हैं, तो यहाँ पर जो है उपरोक्त सभी, यानी कि जो वस्तुएं दी गई हैं ये GST में शामिल नहीं की गई हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में समीकरण दिया हुआ है, इसका हल करने के लिए कहा गया है, तो इसका सही आंसर होगा -1, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं, सांपर झील लवणी झील है, यह दिया हुआ है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो बी होगा, 1 और 3 सही है, और ये जो बी ऑप्शन है गलत है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, तो 23 में सही आंसर होगा ए, और क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं, यहाँ पर अक्षांश विस्तार पूछा गया है, तो अक्षांश विस्तार जो है 37 से 30-35 जो है उत्तरी अक्षांश, इसका सही विस्तार है अक्षांश विस्तार हरियाणा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25, तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो है अभी आंसर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26 को देखेंगे, तो 26 का सही आंसर जो होगा आपका सी, सही आंसर होगा 8। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 27 दो सिक्कों के साथ एक साथ उजाला जाता है, तो उसकी प्रायिकता पूछी गई है, तो इसका सही होगा 1/2, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं, तो 28 में जो है आपका डी सही होगा, इनमें से कोई नहीं। और क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं, रबी की फसल के अंत में बोई जाती है, तो ये नवंबर के अंत में बोई जाती है रबी की फसल। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर होगा बी, तासुको होंजो, इन्होंने जो है नोबल प्राप्त हुआ है चिकित्सा के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, तो 31 का सही आंसर होगा ए, धनात्मक। क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं, सरकार के संघीय स्वरूप की सर्वाधिक भिन्न और महत्वपूर्ण विशेषता है, तो वो है आपकी सी, केंद्र और राज्यों के बीच कार्यपालिका शक्तियों का समान बंटवारा।
क्वेश्चन नंबर 33 को देखते हैं। 33 में जो है मैथ का क्वेश्चन है, यहाँ पर जो है कूट दिए हुए हैं, तो इसका सही आंसर होगा डी 45, सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर जो होगा वो आपका होगा बी 13 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं, तो बहुपदीय वाला क्वेश्चन है यहाँ पर, और जो इसका सही आंसर होगा वो आपका होगा डी -4। क्वेश्चन नंबर 36 को देखते हैं, हरियाणा नगर निगम संशोधन विधेयक कब पारित किया गया है, तो इसका सही आंसर जो होगा वो 2017 होगा, और दोस्तों ये किया गया है 2018 में, लेकिन करीबी आंसर जो है वो 17 ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, तो क्वेश्चन नंबर 37 का जो आंसर होगा वो आपका बी होगा, यानी कि वी डी सावरकर के बारे में दिया हुआ है, अभिनव भारत के समाज के जनक जी भी इन्हें कहा जाता है। और क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 38 में डी सही है, रसोईया, और क्वेश्चन नंबर 39 में आपका बी सही है, जींद। क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं, तो 40 में आपका ए सही होगा, हिमालय क्षेत्र में ग्रीष्म घास के मैदान क्या है, बुग्याल, ये उत्तराखंड में जो है पाए जाते हैं। और नेक्स्ट इसके जो सही आंसर होगा 41 क्वेश्चन को देखते हैं, इसका सही आंसर होगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर 42 को देखते हैं, 42 में जो है आपका पारिस्थितिकी से क्वेश्चन किया हुआ है, और यहाँ पर जो है आपका ए सही होगा, परपोषी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से स्वपोषियों पर जीवन यापन के लिए निर्भर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 43, तो 43 का सही आंसर होगा सी। 1919 भारत सरकार अधिनियम ने देश में प्रथम बार द्विसदनीय और प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की, तो इसमें जो है प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की, यह गलत है, और वहाँ पर असत्य पूछा है कि कौन असत्य है। क्वेश्चन नंबर 44 को देखते हैं, हरियाणा में कम वर्षा वाला जिला, तो ये जो है स्पष्ट नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 45, 45 का सही आंसर जो होगा वो होगा ए टी एक्स। और नेक्स्ट देखते हैं 46, हरियाणा का प्राचीन महाकाव्य, तो वो होगा ऋग्वेद, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हरियाणा का नहीं पूरे वर्ल्ड का प्राचीन महाकाव्य है ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से 24वीं विश्व सिंधु घाटी सभ्यता की घोषणा की गई है, तो ये सर जॉन मार्शल द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सा एक समांतर श्रेणी बनाता है, तो सही आंसर होगा वो डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49, 2017-18 के लिए हरियाणा का बजट द्वारा पट पर रखा गया, यानी किसने रखा है, तो दोस्तों ये वित्त मंत्री ने रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से युग्मों को मिलाइए, यहाँ पर युग्म को जो है आपस में मिलाना है, तो वो होगा आपका डी आंसर, बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ग्रहण ग्रहियों का कार्य है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सही आंसर होगा स्वाद का पता लगाना, सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करें, 52 को देखते हैं, तो 4, 9, 16, 25, 36 श्रृंखला की लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, तो इसका सही आंसर होगा आपका बी, यानी कि 49। क्वेश्चन नंबर 53 को देखते हैं, पृथ्वीराज आसू द्वारा लिखी गई है, तो पृथ्वीराज आसू जो है चंद्रवरदाई द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54, यदि बिंदुओं 2y और -4, 3 के बीच की दूरी 10 है, तो वाई का मान क्या है, तो इसका सही आंसर होगा वो बी होगा, 2 और 3, सॉरी दोस्तों इसका सही आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कवि मालदेव हरियाणा के कवि थे, तो इसका सही आंसर होगा उर्दू के कवि, ये सूफी जो सूफीवाद था उसके कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 56, हरियाणा की राजधानी है, तो हरियाणा की राजधानी जो है वो आपको भी मालूम है, चंडीगढ़, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 57 की बात करें, तो 57 में जो है बी ऑप्शन सही है, 44, 24 जो है बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 58 को देखते हैं, वह अधातु जो द्रव है, तो इसका सही आंसर हो बी, ब्रोमीन। क्वेश्चन नंबर 59 को देखते हैं, तो 59 का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ए। क्वेश्चन नंबर 60 को देखते हैं, 60 का सही आंसर होगा आपका बी, अम्बाला। देखते हैं दोस्तों, 61, 61 का जो है आपका सी सही होगा, वास्तविक और प्रतिबिंब एक समतल दर्पण बनने में वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं, यदि 27 अगस्त को सोमवार था, तो उसी माह की 24 तारीख को कौन सा दिन था, तो इसका सही आंसर होगा मंगलवार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा का राज्य पक्षी क्या है, तो ब्लैक फ्रैकुलीन जो है हरियाणा का राष्ट्रीय पक्षी है। और क्वेश्चन नंबर 64 को देखते हैं, हरियाणा के राज्यपाल की नियुक्ति द्वारा की जाती है, तो किसी भी राज्य का राज्यपाल हो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 65, देवी भवानी अम्बा मंदिर कहाँ पर है, तो ये जो है आपका सी, हर अम्बाला में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, हरियाणा को कहा जाता है, हरियाणा को क्या कहा जाता है, तो भारत में गेहूं की टोकरी हरियाणा को कहा जाता है।
सितारा स्मारक की समाधि कहाँ पर है? तो इसका सही आंसर होगा ताराचंद महाराज। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रकार की मृदा की जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है? तो इसमें जो है रेत और दोमर मिट्टी के मिश्रण की जो है बहुत तेज जलधारा जल को धारण करने की क्षमता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर इंग्लिश के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर जो होगा आपका ए होगा, डूरिंग। क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर भी आपका ए होगा। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर आपका बी होगा, डिड यू हैव टू। क्वेश्चन नंबर 72 को देखें, 72 का आंसर आपका होगा बी, हैड बीन सफरिंग, इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 73 का सही आंसर जो होगा आपका बी होगा। दोस्तों आप यहां पर जो है मिलाकर देख सकते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक है, को बहुत बारीकी से आपको चेक करना होगा। क्वेश्चन नंबर 74 का सही आंसर जो होगा वो आपका सी होगा, कमेटी। क्वेश्चन नंबर 75 को देखते हैं, तो 75 का सही आंसर आपका होगा ए, एट। क्वेश्चन नंबर 76 का सही आंसर आपका बी होगा, ओन। क्वेश्चन नंबर 77 को देखते हैं, 77 में सही आंसर आपका सी होगा, ए पर्सन विदाउट एनी जो ऑक्यूपेशन वाला है, ये क्वेश्चन आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 78 का सही आंसर आपका डी होगा, यूजली। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। तो यहाँ पर जो है हिंदी के क्वेश्चन आ चुके हैं, और 69 का जो सही आंसर होगा वो आपका बी होगा। नेक्स्ट देखते हैं, हाथी शब्द का बहुवचन रूप है? तो इसका सही आंसर जो होगा आपका बी होगा, हाथी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81, रसोई का घर बराबर रसोई घर, यह कौन सा समास है? तो सही आंसर होगा तत्पुरुष समास। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82, मेरी बहन स्कूल से आई है, इस वाक्य में बहन का परिचय दीजिए। तो सही आंसर जो होगा आपका सी होगा, जातिवाचक संज्ञा कर्ता कारक स्त्रीलिंग एकवचन। क्वेश्चन नंबर 83, वीर रस का स्थायी भाव, तो इसका जो स्थायी भाव होगा वो होगा उत्साह। क्वेश्चन नंबर 84 को देखते हैं, 84 में अशु का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इसमें करी जो है अशु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 85 को देखें, कुल शब्द के साथ कौन सा उपसर्ग जोड़ा जाता है? सही आंसर होगा प्रति। नेक्स्ट 86, दांतों तले उंगली दबाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो इसका सही अर्थ होगा आश्चर्य प्रकट करना। क्वेश्चन नंबर 87 को देखते हैं, घोड़ा नहीं चलता, इस वाक्य का भाववाच्य लिखिए। तो इसका सही आंसर होगा सी, घोड़े से चला नहीं जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन 88, सु प्लस आगत बराबर स्वागत कौन सी संधि है? तो सही आंसर होगा ए, यण संधि। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ एक शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो ये होता है रूपक अलंकार, सॉरी दोस्तों सही आंसर ए, श्लेष अलंकार। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं, निम्नलिखित में से सही वर्तनी का चयन कीजिए। तो सही आंसर होगा आपका बी, अभिव्यक्ति। तो दोस्तों यहाँ पर हमने जो है सभी क्वेश्चनों के आंसर सही और करेक्ट देने का प्रयास किया है, लेकिन कुछ क्वेश्चन छूट गए हैं, तो आप भी उनका आंसर बता सकते हैं। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों आगामी परीक्षाओं के पेपर भी हम जो है इस चैनल पर जो है प्रसारित करेंगे, कवर करेंगे, तो आशा करते हैं कि आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।